हेलो भाई लोगों, और क्या चाल है भाई। वेलकम टू माय चैनल सस्ता जहर गेमर। ऑटो बैक की प्रॉब्लम होने वाली है, क्लियर। तो चलिए गाइस, जैसा कि आप लोग मेरी पिछली कॉन्फ़िगरेशन आप देख चुके हैं कि 100% वर्क कर रही है, तो गाइस इसी को देखते हुए गाइस, जैसा कि फ्री फायर वालों ने कुछ दिन पहले, मतलब एक या दो दिन पहले नया थोड़ा सा अपडेट दिया था, 4-5 MB का अपडेट दिया था, उसके बाद में वो फाइल से वो वर्क करना बंद कर गई थी, ठीक है। तो इसी के लिए गाइस मैं आज फिर से आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो लेके आया हूँ गाइस, 101% वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेके आता हूँ। आज लेके भी आया था और आज भी लेके आया हूँ, ठीक है। ये गाइस सभी लोग, दो फाइल्स मैं आज लेके आऊँगा, ठीक है। दोनों ट्राई कर लेना आप, जिस फ़ोन में वर्क कर रहा हूँ उस दोनों में शूट कर रहा हूँ उस फोन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, ठीक है। और जनरली गाइस मैं पहले बता दे रहा हूँ, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ भाई, ऐसे आपके आईडी कोई भी बंद नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी सबके, ठीक है। और दूसरी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ फ़ोन में वर्क नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि गाइस सॉफ्टवेयर कंपेटेबल नहीं हो पाता कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। इसको जनरली अफेक्टिव कब होगा? जब आप इसको पेस्ट करेंगे, आपका फ़ोन है वो रिस्टार्ट कर लेना एक बार, ठीक है। यूज़ करने के बाद आपका फ़ोन रिस्टार्ट कर लेना और क्लियर कैच करके फिर आप है वो फाइल है वो रेडी चलाना, ठीक है। चलाओगे तो 101% वो वर्क करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। रियलमी गो के काफ़ी ज़्यादा बंदे बोल रहे थे कि भाई रियलमी गो वाले में वर्क नहीं कर रहा, तो गाइस ये वाला वर्क करेगा, ठीक है। सैमसंग J2 में प्रॉब्लम आ रही थी, सैमसंग J2 में पिछले वाला कॉन्फ़िगरेशन वर्क कर रहा था लेकिन ये वाला वर्क नहीं कर रहा था, तो इसका गाइस ये वाला वर्क कॉन्फ़िगरेशन वो वर्क करेगा। इसके भाई मैं पूरी तरह से 100% श्योर तो नहीं हूँ कि गाइस सभी फ़ोन में वर्क करेगा, लेकिन गाइस मैक्सिमम फोन्स में वर्क कर सकता है, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी भाई बंदे का अगर वर्क नहीं कर पा रहा हो तो गाइस मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना कि भाई इस फ़ोन में वर्क नहीं कर पा रहा है, तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी मतलब मॉडल पे होगी, ठीक है। गाइस मुझे दो फोन में बोला गया था, सैमसंग J2 और रियलमी में बताया गया था, तो मैं गाइस उसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लेके आऊँ, ठीक है, वर्क करेगा आप देख लेना। और बाकी वही प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि कितना पुराना है प्रोसेसर, नया है पुराना है, फ़ोन पुराना है नया, मतलब उस पर भी डिपेंड करता है कि गाइस कितना प्रोसेसर वो काम का है, उस पर भी डिपेंड करता है। मैंने भाई 100% मेरे कॉन्फ़िगरेशन में मैंने दिया है टाइम पूरा, लेकिन भाई कॉन्फ़िगरेशन बनना है तो आप लोग ट्राई कर लेना, 100% वर्किंग है, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं सीधा बता दे रहा हूँ, पॉइंट पे आता हूँ भाई सीधा कि आप लोगों को करना क्या। चलिए चलते हैं फिर मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, आप लोग क्या क्या स्टेप है वो करने हैं, क्योंकि कुछ बंदों को भाई स्टेप्स वगैरह भी समझ में नहीं आ पाते हैं, तो इस कारण मैं स्टेप वगैरह सब कुछ आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। गाइज एक बात और जानने के लिए, आपको वीडियो पूरी देखने, अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो गाइज आपको फिर समझ में नहीं आएगा स्टेप सारे, ठीक है। फिर आप गलत फाइल पेस्ट करोगे, फिर आपको फिर दिक्कत होगी गेम प्ले में, तो फिर इससे बढ़िया कि आप लोग 2 मिनट निकाल के 3 मिनट निकाल के, वैसे भी आप लोग इतने सारे यूट्यूब पर टाइम देते हो तो गाइज 2 मिनट एक्स्ट्रा और नहीं दे सकते क्या आप, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को करनी पूरी देखनी है, पूरे देखो तो वीडियो आपको अच्छे से समझ पाएंगे, फिर आप अच्छे से उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं फिर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। चलिए गाइस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों आ जाना अभी डाउनलोड कर, मेरी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने फाइल दे रखी होगी वो आप कर लेना डाउनलोड करने के बाद में उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना ZArchiver, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, विथ प्रूफ मिलेगा, गेम प्ले आपको दिखा के दिखाऊंगा जाऊँगा मैं अभी, बिना आपको कुछ आपके प्रॉब्लम को सोल्व करके ही मैं यहाँ से इस वीडियो से जाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों का क्या करना, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मैंने फाइल दी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना ZArchiver के थ्रू, ठीक है। ZArchiver से जैसे ही आप लोग जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको है वो दिखेगा, मतलब फाइल है वो आप देख सकते हैं com.dsfreefire, ठीक है, ये फाइल है वो आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर डाउनलोड्स के अंदर। वीडियो को पूरा देखना भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वीडियो का लास्ट में बताने वाला हूँ कई जो मेजर पॉइंट होने वाला है आप लोगों के क्रैश प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। एक सेटिंग बताऊँगा इस वो आपको करनी है, उसके बाद में ही आपका वो फाइल है वो वर्क करेगी, ठीक है। ये वाली मैंने वीडियो पर पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को करना है कॉपी कर लेनी है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी सुन लो गाइस, तो आपकी जो पहले वाली फाइल है, ठीक है, डाटा के अंदर एंड्रॉइड के अंदर पहले वाली फाइल उसको कहीं पे किसी भी फोल्डर में आप कॉपी कर दें, ठीक है, उसको डिलीट मत करें। डिलीट करेंगे भाई गाइस बाय चांस, अगर थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं तो अगर आपकी फाइल वर्क नहीं कर पाई आप फिर से हो उसको पेस्ट कर पाओ, इसलिए आप वो फाइल है वो पहले से उसके अंदर कहीं दूसरी और पेस्ट करके रखना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को करना वो फाइल जो मैंने बताई है वो आप लोगों को पेस्ट कर देनी है, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ रन कर लेना है, डाटा के अंदर आपको पेस्ट करनी है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो गाइस मुझे बता देना, मैं सारे स्टेप वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे, उसके बाद आप फ्री फायर को रन कर लेना है। सबसे पहले एक बार फिर से स्टेप आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, जब तक वीडियो है वो स्टार्ट होती है तब तक, सबसे पहले आप लोगों को भी जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया उसको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या करना, कॉपी करना, कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड में जाकर डाटा के अंदर जाकर डाटा com.freefire फाइल होगी, ठीक है, उसको कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर लेना, और उसकी जगह जो मेरी वाली फाइल मैंने दी है com.freefire एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो आएगी वो आप लोगों को क्या करनी है, पेस्ट कर लेनी है वहाँ पे। कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेंस आपको देखने को मिलेगा, और भाई साहब ये देखिए है तो कि बाल वाल सब कुछ गायब हो चुके हैं गाइस, अलग ही प्रकार का भाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। सब कुछ इंटरफेस सब चेंज हो गया क्योंकि भाई गेम को थोड़ा लाइट कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद आप लोग
कुछ भी नहीं करना, आपसे मन चाहें आप वो चाहेंगे आप गेम में वो खेल सकते हैं बिना क्रश के, ठीक है गाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैं बताने चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू वो ये है कि गाइज आप लोग जब फ्री फायर को रन करोगे तो उससे पहले आप लोग क्लियर कैच जरूर कर लेना, ठीक है। और एक बार रिस्टार्ट मारना चाहो तो रिस्टार्ट भी मार सकते हो आप लोग, एक बार जरूर मार लेना, आप लेना काफ़ी वर्किंग कंडीशन में आपकी फाइल्स है वो रहेगी फिर। और एक गाइज एक लास्ट बात, यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो गाइज मेरा मोटिव है वो समझ ही गए होंगे कि आप लोग भी जितनी भी कैश वैस प्रॉब्लम है वो मेरा सोल्व करना ही है मोटिव, क्योंकि गाइज मैं खुद सफ़र कर चुका हूँ इस प्रॉब्लम से, गाइज आपके लिए वीडियो बनती है ठीक है हर बार। तो इसलिए गाइज थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट दिखाना है गाइज, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो गाइज मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा, तो इसके कारण वीडियो ज़्यादा अच्छे से अच्छी वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा आगे की, ठीक है। इसी वीडियो को करना है लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और गाइज जितना हो सके आपको सपोर्ट दिखाना है ठीक है। और भाई मेरे जितने भाई सब्सक्राइबर है वो जल्दी पूरे होने वाले हैं, तो भाई मैं जितने जल्दी अगर आप 5K सब्सक्राइबर पूरे करेंगे तो गाइज मैं गिव अवे करूँगा 5K सब्सक्राइबर के, क्योंकि गाइज मोनेटाइज तो मेरा चैनल होने ही वाला है थोड़े टाइम में, और मोनेटाइज होने के बाद मैं भी गिव अवे करूँगा, तब तक मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे 5K मतलब सब्सक्राइबर हम पूरे हो जाएँ, इसलिए गाइज आपको दबा के क्या करना है सब्सक्राइब करना है। गाइज आज की वीडियो इतनी होने वाली है, आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गाइज जिस भी बंदे को भाई 1v1 का कस्टम करना है किसी के साथ भी, मेरे साथ भी, अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना गाइज, मैं करवा दूंगा ठीक है उसका। गाइज ये एक कस्टम भी मैंने करवाया था ठीक है, आप देख सकते हैं 4-4 बंदों का 4v4 करवाया था, और आप भी चाहो तो आपका कस्टम भी करवा सकता हूं मैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, आपके बहुत बहुत धन्यवाद होगा ठीक है। गाइज वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू ठीक है, ओके गाइज।